नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी खास है, इसे पूरा आप ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आटा चक्कियों के बारे में, एक घरेलू आटा चक्की जो कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में भी एक आटा चक्की हो, जिससे कि उसको बाहर जाना नहीं पड़े कहीं मार्केट में आटा वगैरह लाने या पिसाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आटा चक्कियों के बारे में, जिनको कि आप 17,000 से लेकर के 20,000 रुपये के अंदर, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप इन चक्कियों को घर पर ला सकते हैं और इजीली आप इनका सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहे जब आपको ताज़ा आटा मिलेगा, चाहे तो आप रोज़ाना आटा पीसिए और रोज़ाना खाइए। दोस्तों, बात करेंगे आज मिलसेंट और नटराज, इस तरह की कुछ कंपनियों की मेरे पास में आटा चक्की है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। इन आटा चक्कियों के अंदर दोस्तों आप जो है कई प्रकार के अनाज हैं उनको पीस सकते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और जितने भी आपके जो अनाज हैं, चना हो गया, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से पीस सकते हैं। अगर हम कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो ये जो चक्कियाँ हैं 1 घंटे के अंदर लगभग 6 से 8 kg तक का जो है अनाज पीस सकती हैं। एक अच्छी खासी मतलब बारीक, जिसको कहते हैं बारीक और मोटा जो अनाज है, उस हिसाब से आप अगर पीसने जाते हैं तो थोड़ा अगर आप मोटा पीसेंगे तो आपको लगभग 8 से 9 kg मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर, और अगर आप बारीक पीसते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 kg तक का आपको अनाज पिसा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी ओवरऑल जानकारी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन चक्कियों के अंदर के लुक के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपको जो है ऊपर की साइड में कुछ कंटेनर दिखाई देता है, हर चक्की के ऊपर की साइड में जहाँ पर आपको डालना है अपना अनाज। आपको यहाँ से अनाज डालना पड़ता है, जैसे कि अमूमन हर चक्की के अंदर आप देखते हैं गेहूं वगैरह या चना वगैरह उसको यहाँ डाला जाता है। काफ़ी अच्छा स्टील मटेरियल के साथ में ये बाउल मिलता है, यहाँ पर बीच में एक होल होगा जिससे कि आपका जो अनाज है वो नीचे जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके पावर बटन जिससे कि आप इसकी पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर सकते हैं और हमारी चक्की हो जाएगी चालू। दोस्तों, बात करें अगर हम नीचे की साइड की, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरह का आपको यहाँ पर कुछ हैंडल मिलता है जिससे कि आप इस कंपार्टमेंट को खोलते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मिलता है इसका एक कंटेनर। ये जो है मेन यूनिट, ये आपके अनाज को पीसने वाली यूनिट है जिसके अंदर आपको कई प्रकार की चलनी भी मिलती है हर चक्की के साथ में। जैसे कि अगर आप इसके जो चलनी के बारे में आपको बताऊँ, तो आपको यहाँ पर कई प्रकार की जो है चलनियों का सेट मिल जाता है। इस तरह का कुछ चलनियों का सेट होता है जो कि आपको अलग अलग अनाज के रूप से, अलग अलग अनाज के हिसाब से इनको आप यूज करना है। आपको इसको खोलना है, इसको जब आप खोलते हो यहाँ से, इस यूनिट को जब आप यहाँ से खोलते हो, तो इस तरह से इसका ये अंदर का पोर्शन खुल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है इसकी जाली को लगाना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको लगा के बताऊँ एक जाली इसके अंदर, तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ जालियाँ लगा सकते हैं। इस तरह की कुछ जालियाँ मिलती है, जालियों का सेट मिलेगा आपको पूरा यहाँ पर। इसको आपको लगाना है इस तरह से नीचे, इस तरह से हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अनाज पीसने के बाद में जो भी आटा मिलेगा वो पूरा का पूरा छना हुआ आटा मिलता है, यानी कि आपको उसको दोबारा से छलनी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, देखो कितना बेहतरीन काम हो जाता है कि आपका आटा पीस जाता है और उसका जो है छलने का काम है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी ये चक्कियाँ हैं, अगर आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं। नीचे के अगर कंटेनर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है पिसा हुआ अनाज इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको कि आप जो है इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा करते हैं और बाद में इस तरह से आप कुछ स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसके अंदर की यूनिट, इसको करता हूँ मैं बंद। अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें, तो मिलसेंट जो कंपनी की प्राइस है, जो कि 70 साल पुराना एक ब्रांड है, जिसकी प्राइस कंपनी की अगर बोलें तो 20,990 रुपये के आसपास है, इसके ऊपर आपको 18% का डिस्काउंट मिलता है, तो ये पड़ेगी आपको 17,300 रुपये के आसपास की। दोस्तों, आप इन चक्कियों को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लोटस की जो ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवश्य दूंगा। बात करते हैं दोस्तों हम अगली चक्की के बारे में। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो जितनी भी चक्कियाँ हैं ये पूरी की पूरी सेफ हैं, इनके ऊपर आपको ISI मार्किंग मिलती है, यानी कि ब्रांडिंग मिलती है ISI की, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली ही नहीं है। आपको यहाँ पर इसके साथ में कुछ एसेसरीज मिल जाती हैं, पाइप्स वगैरह मिलते हैं जिनको कि आप जब इंस्टॉलेशन करवाएंगे उस समय पर आपके घर पर आकर के इंजीनियर जो है इनका इंस्टॉलेशन कर देते हैं। साथ ही दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन कलर्स के साथ में इसका फ्रंट मिलता है। ये जो फ्रंट है, आप अपनी इच्छा और अपने मतलब चॉइस के अनुसार आप पसंद कर सकते हैं इसके फ्रंट लुक को, वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम इसके जो लाइट का कंजप्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है, उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर 0.7 यूनिट का जो है खर्चा करती हैं ये चक्कियाँ। अगर हम 0.7 को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें, तो मेरे ख्याल से अगर 6 रुपये यूनिट भी मान के चले अगर अपन हिसाब किताब, तो लगभग 5 रुपये का खर्चा होता है आपका 1 घंटे का। अब दोस्तों आप सोचिए कि हम जब चक्की पर आटा पिसाने जाते हैं, तो 1 किलो आटा पिसवाने का ही हमें 5 रुपये देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम 1 घंटे के अंदर
8 से 9 केजी तक का अनाज हम अपना पीस सकते हैं 5 रुपए की कीमत के अंदर। तो दोस्तों ये थी जानकारी आटा चक्कियों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इन चक्कियों को खरीदना चाहते हैं और इंदौर के आसपास से मुझे देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं लोटस के ऊपर। ऊपर की साइड में दोस्तों आपको काफ़ी इसका बेहतरीन टॉप मिलता है, जिसके ऊपर आप जो है अपना पिसा हुआ अनाज है उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, एक परात के अंदर, तगाड़ी के अंदर या किसी बर्तन के अंदर। तो दोस्तों यही थी आटा चक्कियाँ, और बस आज के लिए इतना करता हूँ, इस वीडियो को यहीं समाप्त। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वक्त में यानी कि त्यौहारों के समय पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेंगे ऊषा घीकरण चैनल के ऊपर। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा, जय हिंद जय भारत।